देश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं eNewsMP और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीधी जिले में घटित गैंगरेप की घटना ने मानवता को तार तार करते हुए कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अमीलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। हैवानियत के उपरांत आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट डालकर रफू चक्कर हो गई। पूरे घटनाक्रम में अमीलिया पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर हिरासत में ले लिया है। जिले के पुलिस कप्तान पंकज कुमावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए घटनाक्रम की पुष्टि की है, लेकिन विवेचना अधूरी होने के नाते असली राज का खुलासा नहीं किया गया है। देखिए, एक विक्टिम है हमारे पास में जो अभी रीवा में एडमिट है और प्रथम दृष्टया जो FIR दर्ज हुई है, FIR के मुताबिक 4 उसमें आरोपी हैं और चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कार्रवाई जारी है। सीधी जिले में रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर लोकायुक्त रीवा की टीम ने महिला बाल विकास विभाग मंझोली में पदस्थ परियोजना अधिकारी ललिता मिश्रा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा है। जी हाँ, लोकायुक्त SP राजेंद्र वर्मा ने बताया है कि महिला बाल विकास विभाग मंझोली में पदस्थ रही परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हर महीने 10,000 रुपए की रिश्वत लेने की मांग की जाती है। एक साहू परिवार में 3-3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य करती हैं, जो आज अरुणा साहू नाम की कार्यकर्ता से 10,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा की टीम ने धर दबोचा है। सीधी स्वास्थ्य विभाग इन दिनों चर्चाओं में चल रहा है। COVID-19 जैसी बीमारी में लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है, लेकिन आज जब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा अब हम जाएं तो जाएं कहां। कहा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब गली गली भटक रहे हैं, रोजगार के लिए मोहताज हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन उनके ऊपर कब मेहरबान होता है। भूतपूर्व फीवर क्लिनिक रामपुर नेकिन CSC, हम लोगों को इस महामारी में हमने जान जोखिम में डाल करके लगातार अपनी सेवाएं दी। मैं निखिल कुमार शुक्ला लगातार 50 किलोमीटर दूर से 7 महीने तक सीधी जिला के हर मुख्यालय में मैंने GNM सेंटर, आइसोलेशन, फीवर क्लिनिक, सैंपल ले जाना, ICMR, हर जगह मैंने ड्यूटी की, लेकिन आज मुझे बेहद दुख है कि मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के पास ये विनती करने आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ कि हम गरीब कहाँ जाएं और हमने क्या ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा हम भर रहे हैं और हमें नौकरी से निकाला गया, जिसका प्रमाण हम लिखित रखें कि हमारा कार्य अच्छा है, हमारी उपस्थिति, हमारा आदेश नहीं अभी आया था तो भी हमने लगातार ड्यूटी की है अपने घर से, जेब से पैसे लगा करके, लेकिन एक भी दिन हम अनुपस्थित नहीं है और अपना कार्य बराबर किए। सीधी सहित मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन ने अपनी मांगों को लेकर आज रोड पर उतर आए हैं। पंचायत सचिव ने 7वें वेतन मान की अंशभाग न मिलने पर नाराज सचिव आज कलेक्ट्रेट भवन में मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। बता दें, मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव की तत्कालीन व सरकार के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा है कि धारा बनवाने के अनुसार पंचायत सचिवों को निलंबित करते हैं। गणना नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए जो नहीं की गई है। 7वें वेतनमान सभी कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन पंचायत सचिवों को वंचित रखा गया है। हमको 7वां वेतन मिलना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति जो है सभी जिलों में हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है रोस्टर प्रक्रिया को लेकर के एक भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। अनुकंपा नियुक्ति होनी चाहिए। धारा बांधने में पंचायत सचिवों का शोषण किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से उनको निलंबित करके आज तक प्रभार नहीं दिया जा रहा है। उनको धारा बांधने में सरलीकरण करते हुए सभी पंचायत सचिवों को बहाल किया जाए। विंध्य क्षेत्र के सतना में आज कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में भारी संख्या में प्रस्तुत ज्यादातर किसानों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। बता दें कि यह आंदोलन विंध्य क्षेत्र में निरंतर जारी है और अगला आंदोलन 13 जनवरी को सीधी जिले में संपन्न होना है। निर्वया फंड द्वारा संचालित सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मान समारोह कार्यक्रम मिंटो हॉल में आयोजित हुआ।
जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम में शामिल हुए। एक सम्मान समारोह में भोपाल, छिंदवाड़ा, सागर, रायसेन सहित कई जिलों में उन लोगों को सम्मान किया जिन्होंने बालिकाओं को गलत हाथों में जाने से बचाया या जो बच्चियों को प्रताड़ित कर रहे थे उनको पुलिस के जरिए जेल पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन सभी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए ई न्यूज़ एमपी के साथ। नमस्कार। प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ ई न्यूज़ एमपी.com पर।